हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हो जाए कुछ चटपटा सा नाश्ता। चलो चलते हैं नाश्ता बनाने की ओर। चटपटा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हरे धनिया और पुदीने की चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, और हमें साथ में चाहिए उबले हुए चने, उबले हुए आलू, काला नमक, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्ची स्वाद अनुसार। ये हमने चटनियाँ पहले से ही रेडी करके रखी हुई हैं। मैंने इमली और धनिया पुदीने की चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा हमें चाहिए गरम मसाला, नमक, सफ़ेद नमक है अपने स्वाद अनुसार। ये है हमारा चाट मसाला, खट्टा मीठा और चटपटा बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ना देर करते हुए चलो चलते हैं, फटाफट बनाते हैं इसको और देखते हैं कैसे बनते हैं। आप भी बने रहें वीडियो में। सबसे पहले हम प्याज को काट लेंगे, टमाटर और हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट के इनको रख लेंगे साइड में। देखो मैंने पहले ही काट के रख लिया है। और जो आलू हैं उनको भी हमने छोटा छोटा कट कर लेना है। और बाउल छोटा था, चाट ज़्यादा थी, तो मैंने बाउल चेंज कर लिया। सबसे पहले एक कटोरी मैंने उबले हुए चने बाउल में डाल रही हूँ। इसमें डाल दूंगी मैं कटा हुआ बारीक उबला हुआ एक आलू, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च कटी हुई, ये हम कर लेंगे इसमें मिक्स। अच्छी तरह देखो मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला तकरीबन एक चम्मच। आप अपने हिसाब से अपने स्वाद अनुसार इसमें आप डाल सकते हो जितना आप चटपटा बनाना चाहते हो। थोड़ा आधा चम्मच जो है हल्का सा गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, मैंने आधा चम्मच लिया है, आधा चम्मच काला नमक, अब इसमें मैं डालूंगी अपनी चटनी इमली। और इसमें मैंने किशमिश डाला हुआ है उबलने के बाद, जब बन गई तब मैंने इसमें डाली है किशमिश, नहीं तो जो है किशमिश जो है सही नहीं रहती है, बाद में डालने तो ज़्यादा बेटर है। इसके मैंने 3-4 चम्मच इमली के डाल दिए हैं। जितने आपको खटाई पसंद है आप उतने ही अपने हिसाब से डाल सकते हो। और बाद में इसमें डालूंगी हरी चटनी, ये मैंने 1 चम्मच ही डाली है क्योंकि इसमें मिर्ची है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच ही डाली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक सार कर लेंगे। देखो कितना प्यारा लुक आया है, देखने में कितनी लजीज लग रही है और बेहद ही टेस्टी बनती है। आप भी घर में करें ट्राई और फिर बताना कैसा बना। करते हैं सर्व प्लेट में। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बेल के साथ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप वीडियो का आनंद ले सकें। कितनी लजीज लग रही है, कितनी टेस्टी, आप भी बनाएं अपने घर में ट्राई करें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इंजॉय करवाएं घर में। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, शुक्रिया, धन्यवाद।